खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला हुए विराजमान, राम मंदिर में बाल रूप में रामलला स्थापित हुए, भगवान की श्याम रंग की मूर्ति स्थापित की गई, तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो श्याम रंग की मूर्ति स्थापित की गई, गर्भगृह में बाल रूप में विराजित हुए हैं रामलला। तो ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां रामलला की जो मूर्ति है यहां पर रखी गई है। तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, गर्भगृह में बाल रूप में विराजित हुए हैं रामलला। बस इंतजार अब 22 जनवरी का है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और आपको बता दें 7 दिनों का ये कार्यक्रम, आज चौथा दिन है और 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अयोध्या से खबर जहां प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज चौथा दिन है, तो प्रतिमा का औषाधिवास कराया जाएगा, केसराधिवास और घृतवाधिवास कराया जाएगा, तो प्रतिमा का पुष्पाधिवास भी कराया जाएगा। रामलला की मूर्ति को औषधि में रखा जाएगा, इसके बाद केसर और इसके बाद फिर घी में रखा जाएगा। रामलला की प्रतिमा को अनाज में भी रखा जाएगा। तो रामलला प्राण प्रतिष्ठा में 19 जनवरी को सुबह 9 बजे अग्नि मंथन में अग्नि प्रकट हुई, जिसके बाद गणपति आदि स्थापित देवताओं का पूजन, द्वारपालों द्वारा सभी शाखाओं का देव पारायण, देव प्रबोधन और औषधाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास, कुंड पूजन होगा। और पवन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो पवन से जान लेते हैं। पवन, आज चौथा दिन है जहां कार्यक्रम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, क्या कुछ अपडेट, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं आप? और आज चौथा दिन है तो क्या कुछ वहां पर नजारा होगा? देखिए प्रियंका, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, पूजा 16 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुकी है। 16 जनवरी को प्राश्चित और कर्म गुटी पूजन हुआ, इसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति का प्रवेश कराया गया उस परिसर में, जिस परिसर में मूर्ति को भी स्थापित किया जाना है। उसके बाद 18 जनवरी को जल यात्रा, जलाधिवास, गंधाधिवास और आज औषधाधिवास और केसराधिवास, घृताधिवास और धन्याधिवास, और आज ही के दिन वहां पर मंत्रोच्चारण के द्वारा वहां अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, जिसके माध्यम से वो प्राण प्रतिष्ठा की अग्नि पूजा प्रारंभ की जाएगी। उसका आज जो है चौथा दिन है, आज वहां मंत्रोच्चार द्वारा अग्नि जो है प्रज्वलित की जाएगी, जिससे यज्ञ में जो है वो उस अग्नि का, उस यज्ञ में सीधे तौर पे नहीं उसको जलाया जाता है, उसको एक मंत्र होती है, उस मंत्र के द्वारा जो है उस अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है और इसके बाद उसको यज्ञ में डाला जाता है, जिसका जो है वो पूजा आगे होगा। और यह निरंतर पूजा लगातार चल रही है। कल जो मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति स्थापित किया जाना है, उसको उनके स्थान पर ले जाया गया और एक उनकी तस्वीर भी अभी जारी हुई है। और इसके बाद आज जब पूजा समाप्त होगी, इसके बाद कल जब पूजा शुरू होगी, तो यही क्रम 22 तक चलेगा और अंतिम 22 को प्राण प्रतिष्ठा का मेन पूजा किया जाएगा। इसके अलावा भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचेंगे और अयोध्या में जो भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, जो उसमें कार्यक्रम बनाए गए हैं, उसकी समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ और साधु संतों के साथ वार्ता करेंगे, किस तरह का कार्य योजना बन रही है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा, उसका अंतिम रूप देने के लिए आज मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और वहां अधिकारियों के साथ और संतों के साथ और वहां पर जो भी इस समय कार्यक्रम चल रहा है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियों का सभी का पूरा जायजा लेंगे और उसका अंतिम रूप देने का पूरी पूरी तैयारी करेंगे। चलिए, शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए।